नमस्कार, तथ्य में आपका स्वागत है। और तथ्य में आज मैं बात करूंगा एटम बम की। जी हाँ, क्या रूस में बन रहा है ईरान का एटम बम? अहम जानकारी। जी हाँ, रूस में बन रहा है एटम बम। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ सुपर पावर। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसकी स्थिति को चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस मिल रहे हैं। आज दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी घटित होता है तो वह अमेरिका के लिए अहम होती है, क्योंकि उसे यह तौलना होता है कि वह घटना उसके हितों के खिलाफ तो नहीं है। हाल में अमेरिका की गहरी नजर रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, चीन सहित कई देशों पर है। हाल ही में ईरान और रूस यानी कि रशिया और ईरान ने समझौता किया है, जिसके तहत ईरानी तकनीक वाले ड्रोन अब मॉस्को में भी निर्मित होंगे यानी मैन्युफैक्चर होंगे। अमेरिकी मीडिया ने इस खबर को रूस यूक्रेन युद्ध यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर के लिहाज से बेहद महत्व का बताया है। अकेला नहीं यूक्रेन, तथ्य है रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के पीछे अमेरिका की अगुवाई में नाटो खड़ा है, जिसमें यूरोप के अधिकांश देश शामिल है। पिछले कुछ सालों से रूस यूक्रेन की नाटो सदस्यता पाने की कोशिशों पर सख्त एतराज कर रहा था और इसी का नतीजा रूस यूक्रेन युद्ध है। अभी यूरोप सहित पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ देकर युद्ध संतुलन लाने का काम कर रहे हैं। ईरानी ड्रोन का असर है। जी हाँ, यही वजह है कि युद्ध एक तरफा नहीं हुआ जो केवल यूक्रेन और रूस को ही देखकर लगता है। अब रूस को ईरानी कामिकाजे के ड्रोन की क्षमता मिलने से माना जा रहा है कि रूस की आक्रमण क्षमता इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि इस मॉस्को के पास जी हाँ प्रस्तावित फैक्ट्री में कम से कम 6,000 ड्रोन बनाए जा सकते हैं। क्वाइट अ बिग नंबर। नए इंजन का विकास, तथ्य। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल यानी कि डेलीगेशन पिछले महीने ही शुरू में रूस की यात्रा की है, जहां उन्होंने साइट देखने के साथ ही इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के विस्तार से चर्चा की। इस बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारी का कहना है, ईरान और रूस शाहिद 136 यूएवी के लिए नए इंजन का विकास करने में लगा है, डेवलप करने में, जिससे ड्रोन ज्यादा दूर तक और तेजी से भाग सकेंगे। मध्य पूर्व में भी खतरा है, तथ्य है। इस नए इंजन को नई फैक्ट्री में निर्माण किया जाएगा। यह रिपोर्ट तब आई है जब अमेरिका ने 2 महीने पहले दिसंबर 2022 में घातक ड्रोन के लिए संयुक्त प्रोडक्शन लाइन स्थापित करने का ऐलान किया था। इस रिपोर्ट पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, यह साझेदारी न केवल यूक्रेन के लिए खतरा है बल्कि ईरान के आसपास भी खतरा होगी। बाद में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता यानी कि स्पोक्समैन जॉन किर्बी ने इसकी पुष्टि भी की, कंफर्म भी किया है। अमेरिका की चिंता क्या है, तथ्य है, आपको जानना होगा। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने रूस को पहले ही सैकड़ों ड्रोन दे रखे हैं, जिनका वह यूक्रेन में किए जा रहे रूसी हमलों में उपयोग भी कर रहा है। बाइडेन प्रशासन ने रूस और ईरान के बीच इस तरह की रक्षा साझेदारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कंसर्न। व्हाइट हाउस का कहना है कि रूस ईरान को इस साल के अंत में रूसी जेट फाइटर भी प्रदान करेगा। जी हां, तो आपने ड्रोन के साथ इंटरनेशनल डिफेंस वॉर में उसकी उपयोगिता और रूस में कैसे बनेंगे ड्रोन, इसको लेकर तथ्य में आपने आज तमाम जानकारियां देखी और समझी। तथ्य में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।